तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी पैंती वाले यूट्यूब चैनल में। तो मैं हूं आपका अपना एचपी पैंती वाला। दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं। आई थिंक सो 20 डेज के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं। तो दोस्तों, अभी तक बिजी शेड्यूल था अपना। तो दोस्तों, बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था। तो अब फ्री हो चुका हूँ, तो अब जम के ब्लॉग शूट करेंगे, एकदम मातंग फैला देंगे अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 4:30। तो बड़े बुज़ुर्गों को नमस्ते और दोस्त लोगों को राधे राधे। तो दोस्तों, जीवन का आधार प्रेम है, तो सभी निस्वार्थ भाव से प्रेम करते रहिए और एसपी पैंती वाले के ब्लॉग देखते रहिए। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं रामपुर बुशहर की एक खूबसूरत जगह जो डकोलर के साथ है। ऊपर एक हेलीपैड है, रामपुर बुशहर में जो हेलीपैड है, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते हैं। तो अभी बहुत तेज़ हवा यहाँ पर चली है, यानी गाड़ी में हूँ, बहुत तेज़ हवा अंदर आ रही है, खिड़की खोल रखी है तो बोल नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आवाज़ धीमी है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं रामपुर ओल्ड बस स्टैंड। यह है यहाँ का दुमगुर गोम्पा। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर लगा है आई लव रामपुर, तो इसको देख के फील ही कुछ अलग आता है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर रुके हैं अभी थोड़ी सी भूख हो रही है, के लिए यहाँ से मोमोज साथ ले जाते हैं। तो वहाँ पर देख रहे हैं रामपुर बुशहर में नया ऑटो। तो आप देख सकते हैं बाइक की हालत बहुत ख़राब हुई है, गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इसकी पीठ पूरी गीली हुई है। तो दोस्तों, यहाँ से लेके जाएंगे मोमोज आप। तो दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ नॉन वेज बना है, यानी जो मोमोज है और जो कुछ भी है सब कुछ नॉन वेज में है। यहाँ पर जो आइटम्स है तो नॉन वेज हम लोग खाते नहीं हैं, तो यहाँ से चल पड़ते हैं। कोई से नहीं, नेक्स्ट अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज चला लेंगे। नहीं है भाई जी, कुछ नहीं है, नहीं नॉन वेज है सब कुछ। तो दोस्तों, खोपड़ी से कुछ देर बाद जो ये ऊपर वाला रोड है इसमें जाना होता है। मोमोज यहाँ पे है? है? ये होंगे कुछ यार, किसी के यहाँ पर ना वो स्टोर है शायद। मौज कर दी फिर है आज, पेपर दे के मौज कर दी। तो दोस्तों, ये देख रहे होंगे ढाबा, इसका नाम है अपना ढाबा, बहुत जबरदस्त नाम रखा है। एक प्लेट ही रहो कुछ तो यार, अब तो गर्म करने पड़ेंगे, पैक करने बोले यार, ऐसा बोले भाई आज तो बेहतर हो गया यार भाई, आज से सुबह से खाना नहीं खाया। बड़ा भारी दूर जो ऊपर है ना, क्यों यार, मतलब कि अगर मैं पैदल आ गया तो लड़कियों के साथ आऊंगा ना। पानी की बोतल है 40-50-60 होगी, कितने होगी ये सारी बाजार वाले की बिल्डिंग है, ये थोड़ा ना होगी यार इतने ऊपर। बाजार में रामपुर में बहुत कंजेस्टेड है, टाइट टाइट है ना, बिल्कुल है, मतलब एक दूसरे बिल्डिंग में बहुत बुरा हाल है भाई रामपुर में। घर अकेले में ही ठीक रहते हैं, क्यों है ना। गांव में भी होता है, अगर अकेले में घर रहता है तब भी ठीक रहता है, क्यों। इस घर के ऊपर साइड में ना, गुड गुड, चलो फाइनली पहुंच तो गए। यहाँ से पैदल जाना पड़ता, ऊपर नहीं देते गाड़ी जाने, बस यार अब यहाँ से सामान कौन चखेगा। 6 किलोमीटर पर बाजार से, 6 किलोमीटर तो काफ़ी होता है, 6 किलोमीटर भाई।
खुला कोई ठाकुर आप तकड़े दिख रहे यार बाहर देखो बहन चो डैशिंग बंदा नहीं डैशिंग है यार पास में तकड़े दिख रहे यार तू भी आ इधर लटका हुआ है इस साइड आ तू भी है ना क्यों अभी हम पहुंचे हैं हेलीपैड जो रामपुर शहर का हेलीपैड है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है अभी ज़ोरों पर है, तो हमने उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा यहाँ पर अभी काम चला है। ये क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड बन रहे टूरिज्म का बन रहा है। सही है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टूरिज्म का ऑफिस बन रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फील आता है यहाँ पर जब हेलीपैड में यहाँ पर पहुँचते हैं। तो थोड़ा सा आज कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर वर्क चला है। तो दोस्तों रामपुर बुशहर में एकमात्र जगह ये हेलीपैड है जो बिल्कुल खुली डुली जगह है और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर। बिकॉज यहाँ पर जो कॉलेज स्टूडेंट्स और जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं किसी का बर्थडे होता है तो यहाँ पर सेलिब्रेट करने आते हैं। मैं रामपुर शहर में करीबन 7 साल में रहा हूँ आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है। मैं पहले यहाँ पर नहीं आया हूँ, बहुत शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। रामपुर शहर में हेलीपैड है वहाँ पर मैं 7 साल बाद जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। सही है, सही लोकेशन। अरे क्या करे तुम लगे काम में, ये स्कूल के बच्चे काम यहाँ लगे। मोमोज पार्टी मोमोज पार्टी। ऐसे कौन लगे रहेगा? अरे यार नीचे ऐसे के लिए कुछ नहीं है, पता क्या करो ना यार, किसी को बुटू डालना पड़ेगा यार। यहाँ ऐसे तुम खेल नहीं सर, मैं कहाँ मैं किस तरह का हूँ? फर्स्ट टाइम तो दिक्कत कर सकते हैं, मैं करूँगा हर बार इतना, एक ही बार का तो सीधे। ये स्पाइसी है ये क्या है? स्पाइसी है स्मेल दारी की से ना चटनी नहीं मोमोज की स्मेल। मैं पता क्यों ऐसे स्मेल आ रही है पुराने मेरे को भी ऐसा लग रहा है भूख मिट्टी की भोजन मिट्टी से क्या अभिप्राय है। चटनी तो ठीक है मैंने खाई है प्योर मतलब क्या ही चटनी ये नहीं डाला फिर नहीं खाई जाती है। यहाँ वेस्ट करनी आ रही इसलिए सारी बची हुई है। नहीं तुम्हारी चार है पूरे देख ले चार पूरे हैं बाकी कुछ नहीं है। अरे मेरे फेवरेट यार का था खाना ये मेरा तीन मेरा पांच मेरा थोड़ा वो ऑयल ये था वो शुद्ध खाने के लिए उसके बाद 10 का हो गया था ये तो सूखा मां। नहीं तुमने कहां से लेके आई वो कॉलेज से साथ में काम कर गए लड़के उसके टास्क है वो। तो सुबह बस में नहीं गए ऊपर कौन मन नहीं तुम आ गए सुबह नहीं जाएंगे सुबह सोच रहा था मैं उसको कॉल करूं फिर मैं उससे यार यार क्या करें कॉल सो गया बंदा तू कितने बजे गया देखते हैं सुबह मार इसको यार मार मेरे को मारने के लिए बता भगाने के लिए भगा रहा है मैं भी ऐसे करता हूं मेरे को खाए ले भाई
तेरा खून है इस गंद में, कैसे मार सकते हैं? वाह वाह वाह, नाइस नाइस, क्या लॉजिक लगा। तो दोस्तों ये है व्यू हेलीपैड का, बहुत ऑसम व्यू है। और ये है रमन कुमार, सॉरी सॉरी यार भाई, है दोस्तों रमन कुमार बोल दिया, रमन ठाकुर, रमन ठाकुर यार, ठाकुर बोलो यार, सर ने हमको चेंज मत करो यार। बिल्कुल बिल्कुल, गर्व से बोलो ठाकुर। गर्व से नहीं यार, मुंह से बोलूंगा भाई। क्या बात कर रहा है, मुंह के साथ गर्व भी जोड़ दूंगा। मुगर भी मुगर बन गई यहाँ लगनी। कद वाली टैक्सी वो घूमती है उधर मनाली के ऊपर है। तो गाइस यहाँ पर जो ये सामने चोटी दिख रही है, यहाँ पर अभी बारिश हो रही है, तो काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत राहत मिलेगी गर्मी से। ये तो दोस्तों अब चल पड़ते हैं हेलीपैड से अपने रूम की ओर, बिकॉज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड नहीं कर सकते हैं। 11 तारीख के बाद आएंगे फॉर्म में, बिल्कुल एकदम तबाही मचा देंगे। चाहता भाई बहुत 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 डिस्प्यूट हो गया इस बात पे, आपका गांव जहाँ मर्जी है वहाँ पर ठीक है। हाँ तो फिर क्या हो रहा है, मस्त ये दिख रहा नोबड़ी, ये पीछे कटना, ये जाके आगे को, ये ऐसे नहीं कटते पीछे को, अब तकलीफ कहाँ ऐसे नहीं आगे पीछे को। किसमें तकलीफ, अब इसमें आ गया ना तकलीफ पीछे को, इसी रोड में ऐसे आ गया ना पीछे तकलीफ कहाँ जाएगा, इस रोड में तकलीफ आएगा, इसी साइड जाएगा ना तकलीफ आगे साइड, तो यही है ना साइड। यार ठाकुर भाई माँ कसम से, मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला, नो नो मैं नहीं बोला, लगा पता मैं नहीं बोला भाई, माँ कसम यहाँ पर ब्लॉग एंड कर रहा हूँ मैं। तो गाइस काफ़ी ऑसम फील रहा यहाँ हेलीपैड में, तो मिलेंगे 11 तारीख को नए ब्लॉग के साथ, बिल्कुल एकदम आतंक होने वाला है 11 तारीख के बाद, एकदम बैक टू बैक ब्लॉग आने वाले हैं। तो इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पर कर रहे हैं, तो आई होप आप सभी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिए SP Painty वाले यूट्यूब चैनल को। तो तब तक के लिए जय शंकर, जय भोलेनाथ।